किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की जो वीडियो होगी वो हमारी बेसिकली होगी कि आपको मैं पूरा जुगाड़ दिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपने खेत के अंदर खाद छोड़ते हैं। दोस्तों, खाद के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है हमारे यहाँ पर। आप मेंचुरी के द्वारा छोड़ते हो, लेकिन मेंचुरी में क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण आपकी पाइपलाइन जो है कि फूटने का डर होता है। तो उससे बचने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है जहाँ पर मेंचुरी का भी उपयोग ना हो और मेंचुरी का पैसा भी ना लगे और आपका एक दो रुपए के अंदर ही पूरा सेटलमेंट और काम हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमने एक जुगाड़ बनाया है, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा जुगाड़ है। कि आपको यहाँ पर दो नली दिख रही होगी, तो इस दो नली का हम पूरा उपयोग बता देते हैं। ये जो हमारा है, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये 90 का पाइप है, 90 mm का पाइप है। ये हमारी मेन लाइन है। मेन लाइन क्या होगा कि डायरेक्ट कनेक्ट टू फिल्टर, फिल्टर से जाएगा, फिल्टर से पानी सभी लाइन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब मेन लाइन के अंदर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर है ना एक छेद कर दिया है हमारे छेद करने के औजार से। ठीक है, एक बर्मा होता है जिससे हम छेद करते हैं एक, और बर्मे की वजह से इसे छेद कर दिया है। एक वाइसर लगाया और एक वाई लगा दी। ठीक है, वाई आपको अप्रोक्स 2-3 रुपये की, 2 रुपये की मिल जाएगी, और वाइसर आपको 2 रुपये का मिल जाएगा, 2-2, 4 रुपये हो गए। ठीक है, और नली वगैरह को देखते हैं तो 20-30 रुपये की अप्रोक्स, मतलब 100 रुपये के मान के चलो कि 100 रुपये से भी कम खर्चा होगा आपका इसके अंदर। इसको वाई लगा के हमने दो नली फिट करी है। दो नली, एक नली तो ये वाली छोटी रखी है हमने, क्योंकि जो ये नली है ये हमारे डायरेक्टली पंप से कनेक्ट हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको थोड़ा दूर करके। ये वाला जो नली है हमारा, यहाँ से देख सकते हो कि ये पंप से कनेक्ट है, और जो दूसरा नली है वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, हमारे खाद के टैंकर में। ठीक है, इस टैंकर में जाएगा, और ये पानी कुछ इस प्रकार से आप इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसको फिल करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नली से पानी आपका टैंकर भरते जाएगा और आपका जो खाद है वो अच्छे से घुलते जाएगा, मिक्स होते जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात करें कि जो हमारा पंप है, ठीक है, पंप के अंदर डालते जाओगे और इधर जो है वो हमारा खाद छूटते जाएगा इसके अंदर। गाइस, जैसे ही छूटेगा यहाँ पर, हमने क्या किया कि फ़िल्टर के आगे आपको रखना है ये सिस्टम, क्योंकि फ़िल्टर के आगे नहीं रखोगे तो जो भी आपका खाद के अंदर कचरा वगैरह होगा वो डायरेक्टली आपके पाइपलाइन में जाएगा और आपके ड्रिप को चोक कर सकता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको खाद छोड़ना है अगली वीडियो के अंदर। अब बैंगन के अंदर हम क्लोरो डालेंगे। ठीक है, ये वाली जो दवाई होती है क्लोरोफायरीफस 20% AC, ये क्या काम करेगी कि जो हमारे बेड के अंदर जो कीटाणु वगैरह है, गोबर खाद के कीटाणु होते हैं, ठीक है, गोबर कीटाणु होता है उसको मारेगा। इंसेक्टिसाइड के लिए बेसिकली ये जो सारे इंसेक्टिसाइड होंगे ज़मीन के अंदर उसको मार देगा। आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, लेकिन इसको हम घोलेंगे तब आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कितना ML, कितने पंप में, कितना कितने वाल में छूटता है, और सारी डिटेल्स इसकी आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे जुगाड़ों के लिए मेरे चैनल को अप टू डेट देखते रहिए वीडियो वगैरह को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताऊंगा मैं क्लोरोफॉस्फेट फायरीफस कैसे छोड़ते हैं। धन्यवाद।